घोटाले से लेके नेहरू जी से लेके बोफोर्स राजीव जी से लेके सोनिया जी के अगस्ता वेस्टलैंड सबमरीन से लेके अनेकों घोटाले स्पष्ट दिखाता है इनमें लीडर नहीं अब डीलर ज़्यादा बच गए हैं। डील होती है तो इनकी सरकारें चलती हैं, इनके घर चलते हैं और ये दलाली के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। आज इंडी गठबंधन में देखिए वो नेता हैं जो कोई जेल में है या कोई बेल पर है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर हैं। ये केवल अपनी जान बचाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, ना नेता है ना नीति है और ना ही कहीं पे इनका एक तरह से गठबंधन कहीं पे चल पा रहा है। अलग अलग अपमान करोगे, कितना सनातन धर्म को अपमान करोगे, कितना भगवे का अपमान करोगे। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति में एक समुदाय तक सिमट कर रह गई और उस समुदाय का वोट लेने के लिए आज जनता की संपत्ति को भी रीडिस्ट्रीब्यूशन फिर वितरण करने की सोचती है। कांग्रेस के सांसद कहते हैं जिसकी दो बीवी होगी उसको दुगना देंगे, जिसकी चार होगी उसको चार गुना देंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे ज़्यादा देंगे। इससे पता चलता है कांग्रेस वोट बैंक के लिए कहीं भी उतर सकती है। मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ, हमने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम, हमने तो गरीब का कल्याण किया। और मैं कहना चाहता हूँ चीन से फंड लिया किसी ने, चीन की सरकार से पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी ने लिया। क्यों लिया? देश की जनता को बचाएं। जब डोकलाम की घटना हुई, अतिक्रमण चीन ने करने का प्रयास किया, हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो हमारी सेना के साथ कांग्रेस खड़ी नहीं हुई। बंद कमरे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी चीन के साथ गुफ्तगू करते रहे, कौन से एग्रीमेंट साइन किए, कौन सी वार्ता हुई और कितने पैसे कांग्रेस ने चंदे के रूप में लिए, देश को बताए क्या चीन से खाया है और क्या पाकिस्तान की मदद में पाया। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं और अंतरिम राह पर वो भी कंडीशनल बेल लेकर आए हैं, तब से जग हसाई हो रही है। कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। एक भ्रष्ट आदमी जो भ्रष्टाचार के चलते जेल में था, जिसका उप मुख्यमंत्री, जिसका स्वास्थ्य मंत्री, जिसका शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, जेल मंत्री सब जेल में हैं और खुद जेल में था, अब दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं कि अगर वोट डालोगे तो मुझे रिहाई मिलेगी। अरे भाई, तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल जाएंगे और हंस हंस के का खुशी मनाई उन्होंने। और ये जाके हेमंत सोरेन जी को कह रहे हैं, जो एक और भ्रष्टाचार के चक्कर में, जो रक्षा मंत्रालय की जमीनों पर भी जिनकी नज़रें रहती हैं, कांग्रेस रक्षा सौदे में दलाली खाती थी, ये उनके भ्रष्टाचार की बात करते करते राजनीति में आए और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। आज भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं तो सीधा अरविंद केजरीवाल का नाम आता है और कांग्रेस पार्टी का नाम आता है। और ये ज्ञान बांटना बंद करें, 2 तारीख का इंतज़ार करें, फिर जेल इनको जाना होगा और कोर्ट में बताना होगा आखिरकार शराब में दलाली क्यों खाई, शराब घोटाला क्यों किया।